everybody. I'm Dr. Aditya Khandelwal and you're watching me on my channel Flora Frenzy. So for such a long time, एक मैंने एक्चुअली के अग्रवाल जी जो है उनका एक मैंने कहीं पोस्ट देखा था कि चंडीगढ़ में एक कैक्टस गार्डन है. एंड सिंस दैट टाइम आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम एंड विजिट दिस कैक्टस गार्डन. और पिछले 3-4 साल के अंदर मेरा 3-4 बार चंडीगढ़ आना हुआ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो कैक्टस गार्डन था उसे देख पाई. एंड दिस टाइम सडनली वी वर हियर, और जब मैंने वहाँ से कैक्टस गार्डन का रास्ता देखा तो इट वॉज जस्ट 9 मिनट्स अवे. सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते ही मैं तैयार होकर के और यहाँ नेशनल कैक्टस गार्डन जो है यहाँ पर आ चुकी हूँ. एंड आई कांट वेट टू गो इनसाइड. एंड आई गॉट टू नो कि ये ऑलमोस्ट 1987 में इसकी जो यू नो फाउंडेशन स्टोन था वो ले हुआ था, और 1992 से इट हैज़ बिन वर्किंग इन पंचकुला चंडीगढ़. और यहाँ पर 3500 से ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स हैं, जो कि वी आर गोइंग टू सी वेरी वेरी सून. नाउ लेट्स गो इनसाइड. यहाँ चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों द्वारा कैक्टस उद्यान पंचकुला का उद्घाटन दिनांक 12 मई 1992 में हुआ था. चलिए और देखते हैं यहाँ क्या क्या कैक्टस हैं. लुक एट दोज. कितना सुंदर पिंक कलर का फ्लावर इस कैक्टस के ऊपर खिल रहा है. इसके ऊपर येलो खिल रहे हैं, और ये जो है ये सारे के सारे ग्राफ्टेड कैक्टसेस हैं. यू कैन सी इसका जो नीचे का पार्ट है वो अलग है, और ऊपर ही ऊपर इसमें ग्राफ्टिंग करके दूसरा कैक्टस जो है वो लगाया गया है. लेट्स सी मोर. यहाँ पर बहुत सारे यूफोर्बियाज हैं. एज आई कैन सी के अग्रवाल जी ने मुझे इतने अच्छे से बताया है उसके बारे में दैट आई कैन एक्चुअली लोकेट दीज नाउ. तो मैं बोलूँगी कम और दिखाऊँगी आपको आज कैक्टसेस ज़्यादा. ये देखिए, इन्होंने इसकी जो हेज बना रखी है वो भी इन्होंने एक अलग तरीके के कैक्टस से ही बना रखी है. एंड एज वी कैन सी कि इन्होंने कैक्टस को रेत में, ज़्यादातर रेत है यहाँ पर और ऊपर से पत्थर डले हुए हैं, उससे इन्होंने बनाया हुआ है इन्हें. ओ लुक एट दोज. ये सारे ही कैक्टसेस हैं. इतने बड़े बड़े कैक्टस जो हैं यहाँ पर लग रहे हैं. यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ भी पूरे पूरे पेड़ हैं जो कि कैक्टसेस के हैं. और आगे चलना शुरू करते हैं और देखते हैं और क्या क्या वैरायटीज यहाँ पर कैक्टसेस की हैं. इन्होंने सारी जो लैंडस्केपिंग कर रखी है उसके अंदर भी इन्होंने ऐसे कैक्टसेस ही ले कर रखे हैं सारे में. ये देखिए कितना सुंदर येलो कलर का फ्लावर जो है इस कैक्टस में आ रहा है. ये इतने बड़े बड़े कैक्टसेस. ओह देयर इज एन अडीनियम एज वेल. कितना सुंदर ये एडीनियम जो है वो लग रहा है. दैट गिवन द नेम एज वेल. सो दिस कैक्टस इज एस्ट्रोफाइटम ऑर्नाटम. देन दिस वन इज मैम कॉम्प्रेसा एडीनियम दैट इज 23 years old एज प्लेस्ड ऑन द स्टोन. ये देखिए इस वाले कैक्टस में इतनी सारी जो इसके सीड पॉड्स हैं और फ्लावर्स हैं वो आए हैं. ये
ये जो सीड पॉड है ये ख़त्म हो चुका है और अब इसके अंदर से सीड्स भी एक्चुअली निकाले जा चुके हैं। एक और कैक्टस में बहुत सुंदर जो है वो फ्लावर खिल रहा है। लेट मी शो यू दैट। ये देखिए, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं और देयर इज ऑल्सो अ बी जो कि अंदर घुस के उसका नेक्टर जो है वो सक कर रही है। लुक एट दैट, दैट इज सो प्रिटी। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पानी दिया जा रहा है और इस पानी देते हुए को देख के मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि जो हमेशा कहा जाता है कि कैक्टस में, सक्यूलेंट में ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए। तो दिस मैन ओवर हियर एंड लुक एट दिस, कितना बड़ा कैक्टस है और इसको कैसे इन लोगों ने रोक के रखा है। ये कैक्टस का पेड़ है इतना बड़ा। यहाँ पेड़ ही पेड़ है कैक्टस के इतने सारे। मामिलेरिया का कलेक्शन है। Dedicated to the nation by Mr. Alfred B. And look at these sheer beauties. ये देखिए, ये कैक्टस कुछ अलग है और इस कैक्टस में मुझे लग रहा है कि इसमें ये जो फ्लावर, इफ यू कैन सी, ये रेड कलर का इसका फ्रूट था शायद, जो कि अब ख़त्म हो गया है इसमें से। एंड आई कैन सी एन अगेव। ये जो बीच में आप वैरायटी देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल अगेव। ये भी, ये बड़ा वाला जो है ये भी अगेव है। ये लैंडस्केपिंग में भी बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी भी बड़े होटल में अगेव को बहुत ज़्यादा लैंडस्केपिंग में काम में लिया जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये इनके ऊपर येलो येलो वो आ रहे हैं, इसके जो कांटे हैं। और वो देखिए, एक ट्री पे, कैक्टस के ट्री पे मुझे और भी कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर इसके फ्रूटिंग थी। So guys, please do comment on the video, shower your love on us by subscribing to the channel and also by liking and sharing the videos as much as you can.
I will see you very, very soon. Signing off, Aditi.